हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। गाइस, एक मोटो ब्लॉगर के लिए अच्छा वॉइस क्वालिटी वाला एक माइक का बहुत जरूरत होता है, और एक अच्छा वॉइस क्वालिटी वाला बजट माइक के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमारा फर्स्ट प्रिफरेंस हमको बोया के M1 माइक पे जाता है, जो कि लोअर प्राइस पे बहुत अच्छा वॉइस क्वालिटी देते हैं। लेकिन उस माइक में हर ब्लॉगर के लिए एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उस माइक का जो वायर है वो बहुत लंबा होता है और उसके साथ एक कंडेंसर होता है। ये सब हेलमेट के अंदर इंस्टॉल करने में काफी दिक्कत होता है। इसको आप किस तरह अपने हेलमेट पे इंस्टॉल करेंगे, वीडियो में आपको डिटेल्स दिखाऊंगा, आप देखते रहिए वीडियो। ये मेरा है हेलमेट, ये SMK के ग्लोविंग हेलमेट है, तो इसमें मैंने सेटअप किया है। देखिए, यहाँ पे मेरा GoPro माउंट है, मेरा राइट साइड से ये माइक है, और लेफ्ट साइड से इसका जैक है, और सबसे दिक्कत वाले जो चीज होता है इसका कंडेंसर। ये कंडेंसर जो है, ये देखिए कहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला जो हुक है इसको इस तरह इस एंगल पे घुमाइए, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं हेलमेट के, इसके अंदर इस तरह फिट कर दीजिए, हो गया। अब देखिए, इस तरह फिट करने के बाद इसका जो ऑन ऑफ बटन है, क्योंकि GoPro में जब आप लगाएंगे इसमें जो कैमरा मोड में आपको लाना पड़ेगा, और मोबाइल के लिए इसका ज़रूरत नहीं है, इसको ऑन करना पड़ेगा। इसमें बैटरी रहते हैं, इसको मतलब आप अगर हेलमेट पहने हुए हैं उसके बावजूद भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह मेरा हेलमेट का सेटअप है। अभी हम देखते हैं बाहर में जाके वॉइस का क्वालिटी कैसा आता है। मेरा जो हेलमेट है ये फोल्ड भी होते हैं, देखिए ये फोल्ड होता है, तरह फोल्ड करके मैं बाइक चलाता हूँ। अभी बाहर जाके देखते हैं इसका वॉइस क्वालिटी कैसा आता है स्पीड में बाइक चला के। हेलो गाइस, हेलो हेलो, पता नहीं आप सुन पा रहे कि नहीं, मैं अभी कैमरा का जो वॉइस टेस्ट कर रहा हूँ बाइक चला के, क्योंकि मैंने अभी माइक सेटअप किया है, मेरा GoPro 8 के साथ निकला हूँ बाइक लेके उसको टेस्ट करने के लिए, सही में आवाज़ सही है कि नहीं है। अभी मेरा वाइजर खुला है, पता नहीं आवाज़ कैसा आ रहा है। 50 की स्पीड में जा रहा हूँ, और स्पीड में शायद ही जा पाएंगे। अभी देखते हैं चला के, पता नहीं मेरा आवाज़ अभी कैसा आ रहा है। हेलो गाइस, मेरा आवाज़ सही आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, आई होप आवाज़ सही आ रहा है। तो अभी मैं हेलो, तो रास्ता बढ़िया है, रास्ता एकदम फाइटर रास्ता है। अभी मैं जा रहा हूँ 70-80 में जा रहा हूँ, अगर मेरा वॉइस अभी ठीक है तो ठीक है। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा है वॉइस क्वालिटी ड्यूरिंग राइड अच्छा रहता है, लेकिन जब आप बाइक थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे अब 80 तो थोड़ा ख़राब हो जाता है वॉइस क्वालिटी। इसको रिड्यूस करने के लिए भी तरीका है, आपको एक एक्स्ट्रा करके नॉइस कैंसिलेशन पॉज मिलता है। तो ये वाला देखिए, यहाँ पे जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ये एक्चुअली मेरा इनबिल्ट है, ये इसको मतलब ये बोया माइक के साथ मुझे दिया है। ये इतना सही नहीं है, इतना काम नहीं करता है, लेकिन आपको आफ्टर मार्केट नॉइस कैंसिलेशन वो पॉज मिलता है, वो आप लगा के थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों क्या है कि मैं मेरा मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं एक्सटर्नल कोई माइक नहीं लगाया हूँ, जिसके कारण थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइस, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर कोई इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दोस्त के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, जाइए।